वेलकम टू एसएससी इजी। तो दोस्तों आप लोग के सामने हाजिर है, आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों इंडियाज रैंक इन वेरियस इंडेक्स। तो आज हम लोग देखेंगे कि इंडिया का जो रैंक है, वेरियस इंडेक्स जो निकला है उसमें कितना कितना रैंक है। इसमें हम लोग 2017 का भी कुछ इंपॉर्टेंट कवर कर रहे हैं, प्लस अभी तक का जितना भी आया हुआ है वो सबको इसमें हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। और इसको जो पढ़ाने का, आपको याद कराने का जो टेक्निक है हमारा, वो क्या है कि इंडिया का जो फर्स्ट रैंक से स्टार्ट करेंगे हम लोग, रैंक वाइज चलेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, जिससे आपको याद करने में इजी रहेगा। सपोज़ अगर आप भूल भी जाते तो एक स्लाइड के तरीका से भी आप उसको याद रख सकते कि हाँ पहले स्लाइड में था, सेकंड था, ये थर्ड था, उससे भी आप याद कर पाएंगे, क्योंकि एक ईजी वे पड़ेगा आपको, ठीक है। क्योंकि इससे एक नया क्वेश्चन रहता ही आपका, चाहे वो CGL हो, CPO हो या रेलवे हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा देखते क्या है, सबसे पहला हमारा है WHO ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2017। तो ये WHO ने निकाला था, तो इसमें जो केस स्टडी किया गया था वो 2016 का केस स्टडी किया गया था, इसके बेसिस पे ये दिया गया, ठीक है। और इसके बेसिस पे देखा गया कि इंडिया का रैंक क्या है, 1। TB से लोग ज़्यादा इंडिया में मरता है, इससे ये क्लियर हो गया। तो इसमें इंडिया का रैंक 1 है, जो कि बहुत ही ख़राब है, इसमें इंडिया का रैंक 1 नहीं होना चाहिए था, बट चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है आपका इंडेक्स ऑफ चीफेस्ट कंट्रीज टू लिव एंड रिटायर। इसमें इंडिया का रैंक है आपका रैंक 2, ओके। और इसमें टॉप किया है किसने, साउथ अफ्रीका ने। तो आपको बेसिकली याद नहीं रखना है कि किसने टॉप किया है, मैं जस्ट एक आपको नॉलेज एक्स्ट्रा देने के लिए बता दे रहा हूँ। आपको याद रखना है कि इंडिया का रैंक क्या है। तो ट्यूबरक्लोसिस में कितना रैंक है, 1 है। इंडेक्स ऑफ चीफेस्ट कंट्रीज टू लिव एंड रिटायर में कितना है, रैंक 2, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हर्न ग्लोबल रिच लिस्ट में 2018 का जो निकला था, ठीक है, कितना लोग इसमें, हाईएस्ट नंबर ऑफ बिलियनरीज का, ठीक है। तो हमारा इंडिया इसमें 3rd रैंक पाया है, सबसे ज़्यादा मतलब तीसरा में सबसे हाईएस्ट बिलियनरीज लोग हमारे इंडिया में, ठीक है। और टॉप किया इसमें चाइना, ओके, चाइना इसमें टॉप किया है। देखिए तो फर्स्ट रैंक है आपका चाइना का है, सेकंड आपका अमेरिका का है, देन 3rd इंडिया है। तो आप बोल नहीं सकते कि इंडिया गरीब देश है भाई, इंडिया में बहुत पैसा है, इसे आप पता कर सकते हैं, बट कुछ आदमी के पास ज़्यादा पैसा हो जा रहा है जिसके चलते गरीबी दिखता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो याद रखना इसमें इंडिया का 3rd रैंक है, फर्स्ट ट्यूबरक्लोसिस में 1st रैंक था, रिटायर करने के लिए चीपेस्ट कंट्रीज टू रिटायर एंड लीव के लिए 2nd रैंक था, और ये जो बिलियनरीज में है उसमें 3rd रैंक है इंडिया का। इतना दूर तक आपको याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग। तो ये कुछ दिन पहले न्यूज़ में भी आया था, बहुत ही चला था। तो इंडिया 4th नंबर का सबसे स्ट्रेंथ में है मिलिट्री पावर में, टॉप में है US, 4th में है इंडिया। तो 1, 2, 3, 4 आपको याद हो गया, फर्स्ट ट्यूबरक्लोसिस, सेकंड चीफेस्ट कंट्री टू लिव एंड रिटायर इंडिया का, 3rd में है बिलियनरीज में, 3rd पोजिशन पर है, और 4th में मिलिट्री पावर, कितना ईजिली आपको याद हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है आपका कंट्रीज विथ हाईएस्ट NPA, ठीक है। देखिए NPA आप देखते हैं कि इंडिया में अभी बहुत ज़्यादा ही बैंक पे NPA का लोड पड़ गया है ना, तो इसमें इंडिया का रैंक है 5th। एक सीरीज ही चल गया एक तरह से, देखिए 1, 2, 3, 4, 5। तो NPA के केस में इंडिया का रैंक कितना है, 5th है। टॉप किसने किया है, ग्रीस ने किया है, क्लियर है। चलिए क्लियर है, नेक्स्ट चले, ओके चलिए चलते हैं, अट्रैक्टिव मार्केट। तो इसमें भी इंडिया का रैंक कितना है, 5th है। ऑब्वियस सी बात है, इतना बड़ा इकोनॉमी है तो अपना अट्रैक्टिव मार्केट तो होगा ही, क्योंकि कुछ भी आता है तो सब भीड़ की तरह हम लोग दौड़ते खरीदने के लिए। तो इसमें इंडिया का रैंक 5th है। तो आपका याद कर लीजिए कि NPA एंड अट्रैक्टिव मार्केट में इंडिया का रैंक कितना है, 5th है, ठीक है। बिलियनरीज में कितना है दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया 3rd रैंक बताया था, अभी बिलियनरीज में 3rd है, मिलिट्री में 4th है, ट्यूबरक्लोसिस में 1 है, ठीक है, और 2nd में चीपेस्ट लीव एंड रिटायर के लिए, ठीक है। चलिए रिवीजन भी कराते जा रहा हूँ। नेक्स्ट है WWW लिस्ट ऑफ वेल्दीएस्ट कंट्री, मतलब कंट्री में सबसे ज़्यादा वेल्दीएस्ट कंट्री कौन है। तो भैया सबसे वेल्दीएस्ट होगा USA, जानते हैं, और इंडिया का रैंक 6th है। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा था इंडिया का आया था कि 2.5 ट्रिलियन का ये देश है, 2025 तक में
5 ट्रिलियन का ये देश हो जाएगा डॉलर का, ओके। और अभी चाइना 12 ट्रिलियन डॉलर का देश है, तो ऑब्वियस बात है चाइना बहुत रिचेस्ट है। उसमें भी देखिए यूएस टॉप में है, ठीक है, विदेश में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, मोस्ट टारगेटेड फॉर वेब एप्लीकेशन अटैक। तो जानते हैं साइबर को रिलेटेड बहुत ही हमारे देश में प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें कोई ना रूल है ना कुछ है, ठीक है, कोई कुछ भी बोल के निकल जाता है किसी को भी, ठीक है। तो इसमें इंडिया का रैंक है 7th, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, वर्स्ट न्यू बॉर्न मोर्टैलिटी रेट। जो बच्चा जो जन्म लेता है, ठीक है, उसमें बहुत सारे लोग मर जाता है ना, तो उस रेट पे अगर देखा जाए, ठीक है, तो उसमें इंडिया का रैंक 12th है, पाकिस्तान नंबर 1 है। चलिए पाकिस्तान कहीं से टॉप कर गया, इंडिया का रैंक है 12th, उतना अच्छा भी नहीं है, बट चलिए ठीक है 12th रैंक है। और ऐसे अगर केरला में बोला जाए सबसे अच्छा रेट क्या है, मोर्टैलिटी रेट, ठीक है, ख़राब नहीं अच्छा, तो भाई वो बोला जाए केरला का, सॉरी वो केरला स्टेट का, स्टेट में अगर बोला जाए इंडिया का, बहुत कम बच्चे मरते हैं, ठीक है। चलिए लार्जेस्ट ओवरसी होल्डर ऑफ US गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, इसमें इंडिया का रैंक 12 है। दो चीज़ में 12 है इंडिया का रैंक, एक तो है मोर्टैलिटी रेट में वर्स्ट के केस में, और एक US गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ रखने के होल्ड करने के केस में 12th है, चाइना नंबर 1 है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2018, इसमें इंडिया का रैंक कितना है 14। याद रखिए क्लाइमेट चेंज में इंडिया का रैंक कितना है 14। फिर आपका ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, सोचिए इसमें जापान टॉप में आप जानते हैं, ठीक है, इसमें इंडिया का रैंक 30 है, इसमें इंडिया को बढ़ना ही होगा तभी जाके हमारा इकोनॉमी आगे बढ़ पाएगा, ठीक है। तो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 30। नेक्स्ट, कंट्रीज फेसिंग वेब बॉर्न थ्रेट। तो जितना भी आप साइबर से रिलेटेड देखिए जो भी है, ठीक है, हैकिंग होते रहता है, कुछ ना कुछ होते रहता है, तो इसमें इंडिया भी बहुत कमज़ोर है, तो ऑब्वियस बात इसमें इसका रैंक खराब होगा, 33 रैंक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इकोनॉमिकल इंटेलिजेंस यूनिट ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स, ठीक है, इसमें अगर देखा जाए जो डाला गया है इकोनॉमिकल इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, तो इसमें इंडिया का रैंक है 42, नॉर्वे टॉप में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, US चेंबर ऑफ कॉमर्स ने जो डाला है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, इसमें इंडिया का रैंक है 44, US इसमें टॉप है, ऐसे भी US ही निकालता है ये चीज़ को, ओके, तो US को टॉप होना ही पड़ेगा, ठीक है, नहीं भी होगा तो थोड़ा सा बना सकता है, लेकिन ऐसे होता नहीं है, पूरा चेक करके ही करता है, ऐसे ही बोला। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स, तो इसमें इंडिया का कितना है 47th रैंक है, स्वीडन का टॉप करता है स्वीडन, तो स्वीडन सब डेवलप्ड कंट्री, स्वीडन नॉर्वे सब डेवलप्ड कंट्री है, ओके, खुशहाल कंट्री भी बोला जा सकता है, जहाँ पे कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है, तो ऑब्वियस है पॉपुलेशन कम है जिसके चलते लोगों को कुछ प्रॉब्लम होता नहीं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, मास्टर कार्ड इंडेक्स ऑफ वेमेन इंटरप्रेन्योर, तो इसमें सोचिए इसमें इंडिया का रैंक 52 है, तो महिला लोग के लिए मतलब औरत लोग के लिए दिखाया जा रहा है कि बहुत सारा प्रोग्राम आता है जिसमें कि वो कुछ लोन लेके गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारा निकला है कि लोन लेके वो अपना खोल सकती है कोई भी बिजनेस, ठीक है, उसमें गवर्नमेंट उसको हेल्प करेगा, तो जितना वुमेन हम लोग की आगे बढ़ेगी उतना हमारा देश आगे बढ़ेगा, तो इसमें हमारा रैंक उतना अच्छा नहीं है, खराब ही है, 52 है, न्यूजीलैंड इसमें टॉप पे है। WEF इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें आपका है इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स है, ओके, इसमें इंडिया का रैंक है 62, नॉर्वे टॉप पे है। नेक्स्ट चलते हैं, फॉर्ब्स बेस्ट कंट्रीज फॉर बिजनेस, बिजनेस के लिए जो सबसे अच्छा कंट्री है फॉर्ब्स के अनुसार, तो इसे बहुत सारे चीज़ पे निकालता है फॉर्ब्स, ओके, तो उसमें इंडिया का रैंक है 62, बहुत ही गंदा है, और इसमें टॉप कर रहा है UK, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स फिक्स्ड एंड ब्रॉडबैंड स्पीड, देखिए एक फिक्स्ड बोला जा सकता है, ठीक है, और एक ब्रॉडबैंड स्पीड पे बुला सकता है, तो फिक्स्ड के केस में इंडिया का रैंक है 67, इंपॉर्टेंट याद रखिए फिक्स्ड के केस में, ओके, मींस जो ब्रॉडबैंड हम लोग यूज़ करते हैं उसके केस में 67th रैंक है हमारा, ओके, और जो हम लोग मोबाइल के हिसाब से जो यूज़ करते हैं हमारा नेट, ऑब्वियसली बात है जानते हैं कि कितना कम देता है हमारा स्पीड, यहाँ का आपका 4G इतना कम स्पीड, 1 GB 2 GB ऐसे करके स्पीड दे रहा है, 1 MB 2 MB 3 MB ऐसे स्पीड दे रहा है, लेकिन बाहर आप दूसरे देश में देखिएगा 4G का मतलब 15, 20, 25, 30
अभी तक का एक हाईएस्ट कंट्री जिसका 48 Mbps देता है कोरिया मेरे ख्याल से, ओके 4G में। तो हम लोग बहुत ही कम यूज़ करते हैं, हम लोग को बहुत सस्ता में निपटा दिया जाता है और हम लोग भी खुश हो जाते हैं 1 Mbps में, हाँ भाई बहुत हो गया। ओके तो उसमें इंडिया का रैंक है 109। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, WEF एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, इसमें दोस्तों इंडिया का रैंक है 78 और इसमें टॉप कर रहा है स्वीडन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इंडेक्स ऑफ टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है, तो इसमें इंडिया का क्या है रैंक 81 और स्विट्जरलैंड इसमें टॉप करता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, तो भैया करप्शन में तो हमारा देश आगे होगा ही, तो इसमें तो रैंक हम लोग का होगा ही पीछे, ओके इसमें हमारा रैंक है 81 और न्यूजीलैंड इसमें टॉप करता है, उसमें सबसे कम करप्शन है, ओके। इंड ऑफ चाइल्डहुड इंडेक्स सेव द चिल्ड्रेन, ये अभी जस्ट लेटेस्ट आपका ये जून का है, ठीक है आया है, इसमें इंडिया का रैंक है 113, टोटल कंट्रीज है 175, ठीक है, और इसमें टॉप किया है सिंगापुर और स्लोवेनिया ने, ये दोनों ने टॉप किया, ठीक है, तो याद रखिएगा ये अभी लेटेस्ट जून का है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस बोले खुशहाल देश उसके हिसाब से बोला जाए तो उसमें इंडिया बहुत ही पीछे 133 रैंक है इसका, टॉप करता फिनलैंड, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका दोस्तों इकोनॉमिक एंड पीस ग्लोबल पीस इंडेक्स, तो इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जो निकाला गया है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2018, उसमें इंडिया का रैंक है 136 और टॉप किया आइसलैंड ने, ये भी जून का ही है, ओके जून 2018 इसका है करेंट अफेयर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, WEF के द्वारा इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2018, तो इसमें इंडिया बहुत ही खराब रैंक पे है 177, ओके टॉप है स्विट्जरलैंड, ओके ये सब डेवलप्ड कंट्री इसलिए ये सब टॉप करेगा, ओके तो ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट था इंडियाज रैंक इन वेरियस इंडेक्स में, ठीक है, तो इसको आपको रट लेना है, 2-3 बार आप वीडियो देख लीजिएगा, एक ना एक क्वेश्चन फिक्स आपको रहेगा, चाहे वो CGL हो, CPO या रेलवे हो या कोई भी एग्जाम हो कॉम्पिटिटिव, ठीक है। और अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और जितना हो सके दोस्तों में अपना शेयर कीजिएगा। थैंक यू।